So today topic is schedule and types of schedule in transaction management. तो पहले तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो टर्म है शेड्यूल, ये होता क्या है. शेड्यूल जो है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट स्पेसिफाई द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन व्हिच इंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड. मीन्स शेड्यूल जो है वो है इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस जो एक ऑर्डर को फॉलो करता है कि कौन से ट्रांजेक्शन के बाद कौन से ट्रांजेक्शन होना चाहिए. इस ऑर्डरिंग को हम लोग डेटाबेस में शेड्यूल कहते हैं. अ शेड्यूल फॉर ए सेट ऑफ ट्रांजेक्शंस मस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन ऑफ दोस ट्रांजेक्शन. शेड्यूल में क्या रहता है, शेड्यूल में जो ट्रांजेक्शन होता है उसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो रहता है ट्रांजेक्शन में, उसको क्या करता है, शेड्यूल कंसिस्ट करता है. और शेड्यूल क्या करता है, ट्रांजेक्शन जो होता है उसका ऑर्डरिंग को वो प्रिजर्व करता है. तो क्या करता है, मस्ट प्रिजर्व द ऑर्डर इन व्हिच द इंस्ट्रक्शन अपीयर इन ईच इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन. मीन्स कौन से ट्रांजेक्शन के बाद कौन से ट्रांजेक्शन होना चाहिए, ये जो ऑर्डरिंग सिलेक्शन है ये कहाँ पर होता है, ये शेड्यूल में होता है. अब एक एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं कि शेड्यूल होता क्या है. सपोज यहाँ पे एक हम लोग ट्रांजेक्शन लिए हैं जिसका नाम है टी आई. इस पर दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एक हो रहा है एक्स और एक हो रहा है वाई. तो एक्स ऑपरेशन का परफॉर्म होने के बाद वाई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. सिमिलरली टी जे और एक ट्रांजेक्शन हो सकता है, इस पर भी ऑपरेशन हो सकता है. ये भी क्या करते हैं, एक ऑपरेशन होने के बाद दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा. इस टाइप का जो ऑर्डरिंग रहता है इसी को हम लोग शेड्यूल कहते हैं. तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि इन एनी शेड्यूल टी आई एक्स. मीन्स टी आई में जो ऑपरेशन है उसको हम एक्स से डिनोट किए, इज फॉलोड बाय टी आई वाई. आई वाई मीन्स जो टी आई में जो ऑपरेशन हुआ वाई ऑपरेशन, उसको हम लोग कैसे डिनोट किए, टी आई वाई से. तो यहाँ पे हम लोग दो ट्रांजेक्शन ले लिए, एक है टी वन एक है टी टू. तो T1 ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, हमने पहले कोई x का वैल्यू है कुछ भी तो उसको T1 ने रीड किया, उसके बाद कंप्लीट हो गया रीड करना. उसके बाद T2 ने क्या किया, T1 का कंप्लीट होने के बाद वही रीड किया हुआ वैल्यू को राइट कर दिया. तो यहाँ पे T1 रीड किया x का वैल्यू को, फिर T2 ने क्या किया, वही रीड किया हुआ वैल्यू को राइट कर दिया. तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं T1 फॉलोड बाय T2. तो इस टाइप का जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं इसको हम लोग कहते हैं शेड्यूल. नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ शेड्यूल. सो शेड्यूल का फर्स्ट जो टाइप है उसको हम लोग कहते हैं सीरियल शेड्यूल. सीरियल शेड्यूल का मतलब है इस शेड्यूल में इंस्ट्रक्शंस जो है वो सीरियली परफॉर्म होता है. अगर T1, T2, T3 तीन इंस्ट्रक्शन है तो T1 के बाद, T1 इंस्ट्रक्शन का कंप्लीट होने के बाद T2 इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है, उसका कंप्लीट होने के बाद T3 इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है. ऐसे सीरियली परफॉर्म होता है, इसीलिए इसको सीरियल शेड्यूल कहा जाता है. द सीरियल शेड्यूल इज अ टाइप ऑफ शेड्यूल वेयर वन ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटेड कम्प्लीटली बिफोर स्टार्टिंग अनदर ट्रांजेक्शन. इन द सीरियल शेड्यूल When the first transaction completes its cycle, then the next transaction is executed. ये एक टाइप का शेड्यूल है जिसमें एक ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होने के बाद और एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है. मतलब इस पर एक ट्रांजेक्शन कम्प्लीट होने के बाद ही दूसरा ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है. मीन्स कोई भी ट्रांजेक्शन बीच में स्टार्ट नहीं हो सकता, कोई भी ट्रांजेक्शन दूसरा ट्रांजेक्शन को इंटरलीव भी नहीं कर सकता. एक ट्रांजेक्शन कम्प्लीट होगा उसके बाद दूसरा ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है. तो एग्जांपल के मदद से सीरियल शेड्यूल को समझते हैं. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन है, एक है T1 एक है T2, और दो अकाउंट है A और B. A क्या कर रहा है, ₹50 ट्रांसफर कर रहा है किसको, B को. ये कहाँ पे हो रहा है, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है T1 में. और T2 में क्या हो रहा है, जो T2 में 10% ट्रांसफर कर रहा है ए से बी तक, जो बैलेंस है उसका 10% ट्रांसफर कर रहा है ए से बी तक. तो ये ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, T2 में. मीन्स T1 में अलग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, T2 में अलग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. T1 में
₹50 ए से लेके बी तक ट्रांसफर कर रहे हैं। टी टू में क्या हो रहा है, जो टोटल बैलेंस है उसका 10% ए से बी में ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पे देखो टी वन ने पहले किया, एक का जो करंट अकाउंट बैलेंस है उसको डीड किया, उससे ₹50 डिडक्ट कर लिया। फिर क्या किया, ₹50 डिडक्ट करने के बाद जो करंट अकाउंट बैलेंस आता है उसको राइट कर लिया। फिर बी का अकाउंट को रीड किया, बी के अकाउंट के जो करंट बैलेंस है उससे ₹50 प्लस कर लिया, ₹50 ऐड कर लिया। और फिर क्या किया, उसको राइट कर दिया, बी का जो करंट अकाउंट बैलेंस है उसको राइट कर दिया। फिर कमिट ऑपरेशन कर दिया, कमिट ऑपरेशन करने के बाद टी वन जो ट्रांजेक्शन है ये कम्प्लीट हो गया। उसके बाद ये कम्प्लीट हो गया पूरा टी वन ट्रांजेक्शन, उसके बाद स्टार्ट होता है टी टू ट्रांजेक्शन। क्योंकि ये सीरियली है इसलिए पहले T1 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, उसके बाद T2 ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ। T2 ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, पहले इसने रीड किया A का वैल्यू को कि A का अभी करंट वैल्यू क्या है, उसके अकाउंट में अभी कितना पैसा है। फिर क्या किया, एक टेम्पोररी वेरिएबल ले लिया जिसमें उसने A का जो वैल्यू है उसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसका जो मल्टीप्लीकेशन का जो वैल्यू आया वो कहाँ पे स्टोर किया, वो टेम वेरिएबल मीन्स टेम्पोररी जो वेरिएबल उसने क्रिएट किया उसमें स्टोर कर दिया। फिर क्या किया, जो वैल्यू आया उसको ए का जो करंट अकाउंट बैलेंस है उससे डिडक्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग लिखे ए इज इक्वल टू ए माइनस टेम। फिर क्या किया, ए का अभी जो डिडक्ट करने के बाद जो करंट अकाउंट बैलेंस आ रहा है उसको राइट कर दिया। फिर क्या किया, फिर बी का वैल्यू को उसने रीड किया, बी के वैल्यू से टेम मीन्स ए से जो वैल्यू हम लोग डिडक्ट किए थे, ए के अकाउंट से जितना पैसा हम लोग माइनस किए थे उसको हम लोग बी के अकाउंट में जोड़ दिए। फिर बी का अभी जो करंट अकाउंट बैलेंस है उसको लिख दिए। फिर क्या किया, कमिट ऑपरेशन परफॉर्म किया, मीन्स टी टू का पूरा ऑपरेशन कम्प्लीट हो गया। ये दोनों ऑपरेशन हुआ, दोनों पूरा अलग अलग ऑपरेशन है, दोनों ट्रांजेक्शन अलग है, एक है टी वन एक है टी टू। टी वन ऑपरेशन का पूरा कंप्लीट होने के बाद, टी वन का जो ट्रांजेक्शन है वो पूरा ऑपरेशन का कंप्लीट किया, उसके बाद टी टू स्टार्ट हुआ। मीन्स जब एक ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट करता है, तो इस टाइप का ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सीरियल शेड्यूल, जिसमें एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है पूरा कमिट लिख देता है, मतलब पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सीरियल शेड्यूल। अगर T1 का ऑपरेशन जो है वो अगर पहले होता है उसके बाद T2 का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं T1 इज फॉलोड बाय T2। अगर T2 का ऑपरेशन पहले हुआ उसके बाद T1 का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, T2 इज फॉलोड बाय T1। तो इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, दो ट्रांजेक्शन सेम ट्रांजेक्शन हो रहा है। पहले क्या किए, पहले T2 का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किए, उसके बाद T1 का ऑपरेशन परफॉर्म किए। ओके, तो इस टाइप का जो शेड्यूल है ये है सीरियल शेड्यूल। ओ भी सीरियल शेड्यूल था, ये भी सीरियल शेड्यूल है, सिर्फ ऑर्डरिंग चेंज हुआ, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं टी टू इज फॉलोड बाय टी वन। क्योंकि टी टू का जो ऑपरेशन है वो पहले हुआ टी टू ट्रांजेक्शन का, और टी वन ट्रांजेक्शन का जो ऑपरेशन है वो बाद में हुआ। पहले टी टू ने क्या किया, रीड किया, उसके बाद टेम्पोररी वेरिएबल पे जो अकाउंट है उसका 0.1 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता है उसको टेम्पोररी वेरिएबल में स्टोर कर दिया। फिर ए से माइनस किया, फिर से राइट कर लिया, फिर बी को रीड किया, फिर बी के साथ जो माइनस जो वैल्यू डिडक्टेड हुआ था उसको एडिशन कर लिया, फिर राइट कर लिया बी के वैल्यू को, फिर कमिट कर लिया। सेम एज उसके बाद जब टी टू कम्प्लीट हो रहा है तब टी वन फिर ए का वैल्यू को रीड कर रहा है, ए का जो अकाउंट बैलेंस है उससे ₹50 माइनस कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं ए के वैल्यू को, फिर रीड कर रहे हैं बी का वैल्यू को, फिर बी से ₹50 प्लस कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं बी के वैल्यू को, उसके बाद कमिट कर रहे हैं। ये पूरा ऑपरेशन टी वन का कब हो रहा है, टी टू ऑपरेशन के होने के बाद, इसीलिए टी टू ऑपरेशन इज फॉलोड बाय टी वन। अब जो नेक्स्ट टाइप का शेड्यूल है वो है नॉन सीरियल शेड्यूल। इफ इंटरलिविंग ऑफ ऑपरेशन इज अलाउड देन देयर विल बी नॉन सीरियल शेड्यूल। मीन्स पहले जो हम लोग जब सीरियल शेड्यूल पढ़े तब हम लोग देखें कि जब भी एक दो ट्रांजेक्शन होगा तो एक ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दूसरा जो ट्रांजेक्शन है वो स्टार्ट होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी एक ट्रांजेक्शन चल रहा है उसके बीच ही दूसरा जो ट्रांजेक्शन है वो क्या कर रहा है, वो पहले वाला जो ट्रांजेक्शन है उसका वैल्यू को एक्सेस कर रहा है। तो इस टाइप का जब
ऑपरेशन अलाउ हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन सीरियल शेड्यूल। इट कंटेन्स मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स इन व्हिच द सिस्टम कैन एग्जीक्यूट इंडिविजुअल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। इस पे क्या होता है, बहुत सारा ऑर्डर पॉसिबली हो सकता है जिससे हम लोग एक ट्रांजेक्शन को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करने के टाइम दूसरा ट्रांजेक्शन उसका जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर पाता है। तो इस टाइम का जो प्रॉब्लम आता है ये किस में आता है, नॉन सीरियल शेड्यूल में आता है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसीलिए नॉन सीरियल शेड्यूल ऑर्डर्ड नहीं रहता, इसमें बहुत सारा ऑर्डरिंग हो सकता है। तो इस टाइप का शेड्यूल क्या रहता है, मींस इसमें इंटरलीविंग होता है। इंटरलीविंग मतलब एक का एक ट्रांजेक्शन का वैल्यू को दूसरा ट्रांजेक्शन यूज कर रहा है, तो इसी को हम लोग नॉन सीरियल शेड्यूल कहते हैं। तो ये एक एग्जांपल है नॉन सीरियल शेड्यूल का। तो पहले भी हम लोग वही एग्जांपल पढ़े, उसी का ही नॉन सीरियल शेड्यूल का जो डायग्राम है वो हम दिखा रहे हैं। तो पहले क्या किया, पहले T1 ट्रांजेक्शन 1 ने क्या किया, उसने A का वैल्यू को रीड कर लिया, फिर A के वैल्यू से मीन्स A का जो अकाउंट अभी बैलेंस है उससे 50 रुपया माइनस कर लिया, फिर क्या किया, राइट किया A का वैल्यू को। यहाँ तक करके उसने कॉमिट नहीं किया, मीन्स यहाँ तक करके उसने छोड़ दिया। फिर T2 क्या किया, T2 इस वैल्यू को रीड किया, मीन्स सपोज A के पास 100 रुपीज था और उसने 100 रुपीज से 50 रुपया को माइनस कर लिया, मीन्स A के पास अभी कितना है, 50 रुपया। T2 क्या कर रहा है, T2 इसी 50 रुपया को रीड कर रहा है, उसी 50 रुपया को 0.1 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रहा है उसको टेम पे स्टोर कर रहा है, और फिर वो 50 रुपया का जो अपडेटेड वैल्यू है उससे क्या कर रहा है, जो वैल्यू अभी अपडेटेड आया टेम पे स्टोर करने के बाद वो टेम का जो वैल्यू है उसको A से माइनस कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, A का वैल्यू को राइट कर रहा है। सिमिलरली बी को भी सेम प्रोसेस हो रहा है, बी क्या कर रहा है, वैल्यू को रीड कर रहा है, उसके बाद 50 रुपया एडिशन कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, राइट कर रहा है बी का अपडेटेड वैल्यू को, उसके बाद कमेंट कर रहा है। यहाँ पे भी सेम हो रहा है, इसने क्या किया, बी का वैल्यू को रीड कर लिया, फिर बी का वैल्यू को टेम्प ने जो वैल्यू आया था उसको एडिशन कर लिया, फिर अपडेटेड वैल्यू को राइट कर दिया। तो ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये नॉन सीरियल शेड्यूल है, मीन्स एक ऑपरेशन का कंप्लीट होने के पहले ही दूसरा ऑपरेशन जो है उसको रीड कर पा रहा है, मीन्स T1 का कंप्लीट होने के पहले T1 का जो वैल्यू है उसको रीड कर पा रहा है, जो कि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इसमें। तो इसीलिए इस टाइप का ट्रांजेक्शन को हम लोग कहते हैं नॉन सीरियल शेड्यूल, क्योंकि ये कोई भी सीरियल या फिर ऑर्डरिंग को यहाँ पे नहीं यूज कर रहा, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं नॉन सीरियल शेड्यूल। इसके बाद जो जिस टाइप का शेड्यूल है उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट शेड्यूल। इफ द लास्ट ऑपरेशन ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन आइदर अबॉर्ट और कमिटेड देन दिस टाइप ऑफ शेड्यूल इज कॉल्ड कंप्लीट शेड्यूल। अगर जो लास्ट ऑपरेशन कोई भी ट्रांजेक्शन का होता है वो कमिट या फिर अबॉर्ट होता है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, कंप्लीट शेड्यूल। कमिट या अबॉर्ट होने का मतलब वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है, यही वो राइट करता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पे भी हम लोग देख पा रहे हैं, ये लास्ट ऑपरेशन हुआ इसके बाद हम लोग कमिट लिख दिए, यहाँ पर भी लास्ट ऑपरेशन जब परफॉर्म हुआ इसके बाद हम लोग कमिट लिखते। तो ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है कंप्लीट शेड्यूल का। जब भी हम लोग कमिट या फिर अपोर्ट लिख देंगे तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा कंप्लीट शेड्यूल का। अब नेक्स्ट टाइप का जो शेड्यूल है उसको हम लोग कहते हैं रिकवरेबल शेड्यूल। रिकवरेबल शेड्यूल मतलब जब एक ट्रांजेक्शन चल रहा है तब अगर उस ट्रांजेक्शन के अंदर पावर फेलियर हो गया तो उसका जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो लॉस्ट हो जाता है, तब ट्रांजेक्शन क्या करता है, पहले से जो ट्रांजेक्शन चल रहा था उसको क्या करता है, रोल बैक करके फिर से ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं रिकवरेबल शेड्यूल। और रिकवरेबल शेड्यूल इज वन वेयर ईच पेयर ऑफ ट्रांजेक्शन TI एंड TJ सच दैट TI रीच द डेटा आइटम प्रीवियसली रिटर्न बाय TJ एंड द कमिट ऑपरेशन ऑफ TI अपीयर्स बिफोर द कमिट ऑपरेशन ऑफ TJ। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। तो यहाँ पे T8 और T9 दो ऑपरेशन है, सॉरी टू ट्रांजेक्शन है। तो T8 ने क्या किया, पहले दो वैल्यू एक वैल्यू को A का वैल्यू जो है उसको रीड कर लिया, उसके बाद राइट कर लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, पावर फेलियर ऑकर हो गया। तो इस जो वैल्यू को रीड और राइट कर लिया इसके बाद का जो ऑपरेशन है, मीन्स बी में जो वैल्यू को ऐड या भी सब्सट्रैक्ट करना था वो तो यहाँ पे नहीं हो पाया, इसीलिए ये क्या करते हैं, रोल बैक करते हैं। रोल बैक करने के बाद फिर से ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं जो कि सक्सेसफुल होता है। जब भी हम लोग बैंक पे कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर ट्रांजेक्शन
लॉस्ट हो जाता है। कभी भी गूगल पे या फिर फोन पे हम लोग जब पैसा भेजते हैं तो अगर वो पैसा नहीं जाता लेकिन हम लोगों के बैंक अकाउंट से वो डिडक्ट हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कस्टमर सपोर्ट को फ़ोन करते हैं और कस्टमर सपोर्ट क्या करते हैं हम लोगों का पैसा जो है वो 72 आवर्स या फिर 24 आवर्स के अंदर वो हमारे बैंक अकाउंट में रिस्टोर कर देता है। तो यहाँ पे रिकवरेबल शेड्यूल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। तो यही है पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ रिकवरेबल शेड्यूल का। लास्ट टाइप ऑफ शेड्यूल इज कैस्केडलेस शेड्यूल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अबॉर्ट कैस्केडिंग, अबॉर्ट और रोल बैक। व्हेन देयर इज फेल्योर इन वन ट्रांजेक्शन एंड दिस लीड्स टू द रोल बैक और अबॉर्टिंग अदर डिपेंड ट्रांजेक्शन, देन सच शेड्यूलिंग रेफर टू एज कैस्केडिंग रोल बैक और कैस्केडिंग अबॉर्ट। दिस शेड्यूल इज कॉल्ड कैस्केडलेस शेड्यूल। तो ये जो ट्रांजेक्शन है इस पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन होता है, तो पहला जो ट्रांजेक्शन रहता है उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं एबोर्ट लिख देते हैं, एबोर्ट या फिर कमिट। तो पहले T1 को देखो, T1 ने क्या किया, एक कोई भी वैल्यू को रीड किया, उसके बाद राइट किया, उसके बाद एबोर्ट लिख दिया। एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ। इस पर भी हम लोग क्या किए, एक्स के वैल्यू को रीड किए, राइट किए, फिर क्या किए एबोर्ट किए। उसके बाद हम लोग क्या किए, ये जब कंप्लीट हो गया इसके बाद हम लोग फिर से ट्रांजेक्शन को स्टार्ट किए T3 में। तो इसमें भी हम लोग क्या किए, पहले रीड किए, फिर राइट किए, फिर अबॉर्ट कर दिए। अगर इसके अंदर कोई भी पावर फेलियर हो जाता है तब ये क्या करता है, तब ये रोल बैक करके फिर से ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करता है। मींस T1 ट्रांजेक्शन अगर कंप्लीट नहीं होता है तो T2 और T3 ट्रांजेक्शन भी नहीं हो सकता। ये T2 और T3 डिपेंडेंट है T1 पे, सेम एज T3 डिपेंडेंट है T2 पे। ऐसे करके कैस्केडलेस शेड्यूल चलता है। मीन्स अगर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, अबॉर्ट लिख दिया, मीन ट्रांजेक्शन कंप्लीट, देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में वो जाएगा। और अगर यहाँ पे अबॉर्ट नहीं लिखा फिर वो क्या करेगा, रोल बैक करेगा, फिर से ट्रांजेक्शन को चेक करेगा, फिर अगर वो सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो तो अबॉर्ट लिख देगा, इसके बाद वो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में जाएगा। यही पूरा कॉन्सेप्ट है कैस्केडलेस शेड्यूल का। तो आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो तुम लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके मुझे बताना।